दिन दहाड़े मिष्ठान की दुकान पर फायरिंग, 50 लाख की रंगदारी के लिए दी पर्ची, अंजाम भुगतने की भी दी धमकी। जी हाँ, अलवर के तिजारा फाटक स्थित दूध मिष्ठान भंडार की दुकान पर शनिवार को दिन दहाड़े बाइक पर आए दो बदमाशों ने दुकान पर बैठे एक युवक को पहले एक पर्ची दी, उसके बाद खौफ फैलाने के लिए दो राउंड फायरिंग की। गोली की आवाज सुनकर दुकान में मौजूद लोग अंदर छुप गए और बड़ी संख्या में लोग दुकान के बाहर जमा हो गए। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। फायरिंग करने वाले बदमाश ने मास्क लगा रखा था और उसके बाद हेलमेट पहन रखा था। दुकानदार ने मामले की सूचना शिवाजी पार्क थाना पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर शहर विधायक संजय शर्मा, एडिशनल SP सरिता सिंह, शिवाजी पार्क थाना अधिकारी सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। ASP मुख्यालय सरिता सिंह ने कहा कि पुलिस ने CCTV कैमरे की फुटेज देखी। इस रिकॉर्डिंग में दो बदमाश बाइक से आते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक ही दुकान की तरफ आया, उसने दुकानदार को पर्ची दी, इसके बाद फायरिंग की। पर्ची में लिखा है कि 50 लाख रुपए तैयार रखो, नहीं देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये जो गोली चली है वो सिर्फ चेतावनी है। पर्ची में मोहित डाडीवा, नवीन गुर्जर, धामावाला, भोसंडी जेल लिखा हुआ है। ASP मुख्यालय सरिता सिंह ने कहा कि जेल से इस संबंध में संपर्क किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, किसी से दुश्मनी है ना कोई बात है। दो बंदे आए, एक मोटरसाइकिल को दूर खड़ी कर दी, एक दुकान के ऊपर चढ़ाए, एक पर्ची दिए, पर्ची बंद थी, उसमें लिखा हुआ है या तो 50,000 रुपये दो, नहीं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, इसके बाद में फाइल करिए, गोली चलाइए। शीशे की वो उसमें लगी है, अपने ये शीशा उसमें है ना, ये होल्डिंग वाला, उसमें ये गोली लगी हुई है। अभी ऐसी कोई किसी से बात ही नहीं है, और आए सुबह आके बस कोई बात नहीं करी, उन्होंने पर्ची गिताई और गोली चला दी। ये उन्होंने क्या है, दूध मिष्ठान भंडार है अपने तिजारा रोड ओवरब्रिज से पहले। मेरा पूरन भगत जी, पूर्व पार्षद भंडार पर आज इनके एक लड़के द्वारा फायरिंग की घटना की गई, जो इनके CCTV कैमरा में कैप्चर है, और इसमें फिरौती की डिमांड की गई 50 लाख की, और जिसमें भोंडसी जेल से रिलेटेड दो मुलजिमों के नाम भी मेंशन किए गए। इसको वारदात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मालिक का कहना है कि इनको पहले भी प्रीवियस किसी भी प्रकार की ना तो कोई थ्रेट मिली है, ना किसी प्रकार की डिमांड हुई, तो इस घटना को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस मानसिकता से अपराधी ने इस कृत्य को किया। एक लड़का दिखाई दे रहा है हेलमेट पहना हुआ है, तो हमने एक बार उसकी नाकाबंदी कराई है, देखते हैं कि वो क्या रहता है। ये जो आम रास्ता है उस पर कोई पेट्रोलिंग की दिन में भी आवश्यकता है? चेतक और सिग्मा तो हमेशा गश्त रहती है, पर कई बार होता है कि आप इस वाले राउंड पे नहीं हो तो हो जाए फायरिंग इंसिडेंट इस तरह का।